भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी ट्रेड फेयर के लिए टिकटों की बुकिंग दो चरणों में की जाएगी। जी हां, पहले चरण में 12 नवंबर से व्यापारी वर्ग के लोग टिकट खरीद सकेंगे, जबकि 15 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के 65 मेट्रो स्टेशनों पर आम लोगों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू होगी। आपको बताएं, 14 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रेड फेयर में पहले 5 दिन व्यापारियों के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद 19 नवंबर से आम लोगों के लिए एंट्री खोल दी जाएगी। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जाएगी। मेले में प्रतिदिन 35,000 से 40,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मेले के अंदर एक काउंटर से दूसरे काउंटर की पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। आपको बताएं, हर वर्ष 60 मेट्रो स्टेशन पर मेले के लिए टिकटों की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ाकर 65 कर दी गई है। 5 स्टेशन बढ़ाने के लिए डीएमआरसी से बात भी हो चुकी है। आने वाले 1-2 दिनों में डीएमआरसी स्टेशन तय करके सार्वजनिक जानकारी दे देगी। आपको बताएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।